सुप्रीम कोर्ट को ये तय करना है कि छुट्टी पर भेजे गए सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा काम पर लौटेंगे या आगे उन्हें जांच का सामना करना होगा। गुरुवार को सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने साफ किया कि कोर्ट ने सभी सीवीसी की जांच रिपोर्ट की विवेचना नहीं की है और अगर ऐसी जरूरत पड़ती है तो सुनवाई और टल सकती है। सुनवाई के दौरान सीबीआई के निदेशक और तबादले पर भेजे गए अधिकारियों के वकीलों ने दलीलें रखी। आलोक वर्मा के वकील फली एस नरीमन ने कहा कि निदेशक का कार्यकाल कम से कम 2 साल का होगा। नरीमन ने कहा कि काम छीनने से पहले नियुक्ति कमेटी से मशवरा नहीं किया गया, न ही कोर्ट की इजाजत ली गई, जिसने विनीत नारायण का फैसला सुनाया था। नरीमन ने कहा कि वर्मा से निदेशक का काम छीनना गैरकानूनी है। उन्होंने कहा कि आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजे जाने का आदेश का कोई आधार नहीं है। अगर कोई गलत हुआ जिसकी जांच की जरूरत है तो कमेटी के पास जाना चाहिए था। सरकार को इस मामले में कम से कम कमेटी के पास जाना चाहिए था। अगर किसी कारण से उनका तबादला करना था तो कमेटी की मंजूरी जरूरी है। इसके बिना सरकार को आदेश कानून में खड़ा नहीं होता, सरकार को कमेटी को बताना था। सुनवाई के दौरान जस्टिस के एम जोसेफ ने पूछा कि अगर कोई रंगे हाथ रिश्वत लेते पकड़ा जाता है तो उस स्थिति में क्या होगा। इस पर नरीमन का जवाब है कि ऐसे में कोर्ट से इजाजत ली जाएगी। इस पर जस्टिस जोसेफ ने पूछा क्या ऐसे व्यक्ति को एक भी मिनट पद पर रहना चाहिए। तब नरीमन ने कहा कि कोर्ट है उसके पास जाएं। विपक्षी नेता के तौर पर नियुक्ति कमेटी के सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे की याचिका पर उनके वकील और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने दलीलें पेश की। सिब्बल ने कहा सीवीसी और सरकार को आदेश जारी करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि आदेश गैर कानूनी है। एके बस्सी की ओर से बहस कर रहे राजीव धवन ने कोर्ट से कहा कि 2 साल के फिक्स कार्यकाल से सीबीआई निदेशक को महरूम नहीं रखा जा सकता। इस पर प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने पूछा कि आप कौन हैं। इसके जवाब में धवन ने कहा कि मैं आईओ हूं, जिसे पोर्ट ब्लेयर ट्रांसफर किया गया। धवन ने कहा कि अगर कानून में कोई खामी है तो सुप्रीम कोर्ट उसे सही करेगा, सरकार या सीवीसी नहीं कर सकते। प्रधान न्यायाधीश ने धवन से कहा कि क्या आप अपने ट्रांसफर को चुनौती दे रहे हैं, तो धवन ने कहा कि हम तो एसआईटी जांच की भी मांग कर रहे हैं। सीबीआई के डीआईजी एमके सिन्हा की ओर से इंदिरा जयसिंह ने कहा कि हम अभी अपनी याचिका की सुनवाई नहीं चाहते, हम ट्रांसफर केस से पहले आलोक वर्मा की याचिका पर फैसले का इंतजार करना चाहते हैं। एक निजी संस्था की ओर से वकील दुष्यंत दवे ने भी आलोक वर्मा से काम छीनने को गलत ठहराया। दवे ने कहा कि कानून में एक प्रक्रिया तय है, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यहां तक कि ट्रांसफर के पहले भी कमेटी से मशवरे की बात कही गई है। सीबीआई बनाम सीबीआई मामले में अब 5 दिसंबर को सुनवाई होगी। आलोक वर्मा ने खुद को छुट्टी पर भेजे जाने के सरकार के फैसले को चुनौती दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।